तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी पुरानी जैकेट है और उसकी जो है चैन ख़राब हो गई है, उसके दाने जो है ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल लॉक भी इसमें नहीं है और पूरी तरीके से हमारी चैन ख़राब हो गई है, तो उस चैन को कैसे बदल कर दूसरी चैन लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पुरानी जैकेट में चैन निकाल कर उसमें नई चैन कैसे लगाते हैं पुरानी जैकेट में, तो ये हमने दो कुटके मार लिए। अब हमें अपनी चैन को जो है निकाल लेना है एक को, और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर फिट बैठाना है, और जो हमने ये कुटका लगाया था ये इस वाली सिलाई पे हमें बिठाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलाई हमारी है, ये इस वाली सिलाई पे ये कुटका बैठाना है, तभी हमारी चैन जो अच्छे से परफेक्ट बैठ पाएगी। तो यही चीज़ जो है चैन लगाने में ध्यान दिया जाता है। मैं आपको बता दूँ ये कुटके आपको मिलाना बहुत ही मतलब अच्छे से मिलाना है ये कुटके आपको। अगर आप ये कुटके नहीं मिलाते हो, ऐसे ही तुक्का में लगा देते हो चैन, तो आपकी चैन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बैठेगी और झोलेगी वो चैन, इधर उधर भागेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी कॉलर इसकी। तो ये कुटके आपको बड़े ध्यान से लगाना है चैन में।
मैं बोल रहा हूँ उधेड़ देना। इसके बाद में दोस्तों आपको दूसरा हिस्सा हमें कॉलर तरफ से लगाना है, कॉलर इसके ऊपर चढ़ा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर पैर की सिलाई मैं लगा रहा हूँ, एक तरफ मैंने लगा ली है चैन की तरफ पैर की सिलाई, दूसरी तरफ मैं लगा रहा हूँ। यहाँ भी लगा दी मैंने। अब हमारी चैन जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब मैंने चैन वो लगा दी है जैकेट में फुल तरीके से, ये एकदम फिट है। आप भी इसी तरीके से बहुत आसानी से चैन लगा सकते हैं अपने घर पर जैकेट में, देख सकते हैं इतनी बढ़िया तरीके से ये चैन मैंने यहाँ पे लगा दी है जैकेट में। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।